तो कैसे और तुम लोगों को फिर एक बार स्वागत हो चुका है तुम्हारे फेवरेट चैनल ऋषि रिच में। तो आज फिर एक बार हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी प्रिंस ऑफ पर्शिया की सीरीज, जिसमें लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे और अभी हम लोगों को जाके बस दो आखिरी बॉस को हराना है। तो अभी दो तुम लोगों को पता चल जाएगा। वैसे मुझे पता है बहुत सारे लोग गेस कर लेंगे कि दूसरा बॉस कौन सा होने वाला है, पर अभी सबसे पहले हम लोगों को जाके विजियार को हराना है। तो आ जाओ शुरू करते हैं, अभी आखिरी दो सेव बचे बस हमारे, अभी चलते हैं जल्दी जल्दी। पहला सेव तो बहुत जल्दी आने वाला है, उसके बाद जो बॉस फाइट होने वाली है उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत टाइम बाद वीजीआर से लड़ने वाला हूँ। मैंने इसे गेम को खेल के बहुत टाइम हो गया है, तो मुझे अभी इतना याद भी नहीं होगा कि उसको परफेक्ट कैसे हराना है। शायद मैं मर भी सकता हूँ, पर देखते क्या होता है। पूरी कोशिश करूँगा पहली बार मैं इसको ख़त्म करने का। चलो सैंड तो वैसे फुल है, यहाँ पर वैसे सैंड मिलेगी भी नहीं, वैसे फुल ही थी। चलो अच्छा है, चलते अभी फटाफट से यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बस जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। अभी देखो किसी को कोई नहीं आने वाला है, मतलब किसी को मारना नहीं हम लोगों को, बस जाके आखिरी बॉस को ख़त्म करना है। बस ये ट्रैप होने वाले इधर उधर, हम लोग आ चुके, ये जो मेन बिल्डिंग है उसके टॉप में हम लोग आ चुके। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से संभाल के जाऊँगा, गिरना नहीं है यार मुझे। देखो रिकॉल वेस्ट नहीं करना है, बस अपनी सैंड अगर वेस्ट हो जाएगी ना तो बॉस फाइट में फिर कम सैंड बचेगी, इसलिए पूरा संभाल के करूँगा, कोई भी सैंड वेस्ट नहीं करनी हम लोगों को। चलो जल्दी से बढ़ते हैं, बहुत पास आ रहे यार, बॉस फाइट आने वाली है आखिरी, बहुत सही होने वाला है, बस मरना नहीं है मुझे, बाकी कुछ भी हो जाए। चलो आ जाओ अभी जैसे ही ये बाहर आएगा जल्दी से ऊपर चढ़ते हैं और भागते हैं। चलो ये याद है, इतने तो मुझे कहाँ से जाना है उतना तो याद है, बस यहाँ से अभी कुछ है नहीं, वैसे आराम से हम लोग जा सकते हैं। और वैसे सैंड वेस्ट भी नहीं होनी चाहिए कहीं से, बस गलत जगह कूदना नहीं चाहिए प्रिंस, जो ये हमेशा करता है। यार तुम लोग देखो ना ये पैलेस कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब हम लोग अब तक तो टूटे फूटे पैलेस से आ रहे थे, और ये देखो अपने दोनों सेव आ चुके हैं फाइनल वाले, मतलब ये एक ही सेव है पर अभी अपना सेव आ चुका है फाइनल वाला। ये देखो नीचे देखो कितना बढ़िया लग रहा है, हम लोग वहाँ से पूरा आए थे ये बिल्डिंग चढ़ते हुए, नीचे देखो कितने नीचे से आए थे। तो जैसे मैं बोल रहा था यार, हम लोग बहुत टाइम से मतलब टूटे हुए पैलेस से आ रहे थे, पर ये वाला पैलेस टूटा नहीं है, ये वाला एरिया मतलब, तो कितना बढ़िया लग रहा है, तो पूरा पैलेस कितना ज़बरदस्त होगा। अभी अपना पहला सेव हो चुका है, जो कि अपना आखिरी सेव होने वाला है, बाकी तो अभी बॉस को हराने के बाद ही आने वाला है। चलो आ जाओ, यहीं पे कहीं पे बटन होता है और वहाँ से फिर दरवाज़ा खोल के जाना है, ये साइड है शायद, वो साइड होता है बटन। आइए देखो सैंड क्रेडिट, चलो यार लास्ट टाइम है पर सैंड क्रेडिट तो ले ही लेते हैं। यार प्रिंस ऑफ पर्शिया ना बहुत ज़बरदस्त गेम है, मतलब मैंने टू थ्रोन्स सबसे ज़्यादा बार खेली है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बाकी वाले भी खेल के रखे हैं, मतलब सैंड्स ऑफ टाइम भी खेला है, वॉरियर विद इन भी खेला है, तो वो वाले गेम्स भी बहुत बढ़िया है, स्टोरी सारी इंटरकनेक्टेड है ना तो बहुत बढ़िया लगता है। हमेशा तुमने देखा हो ना तो ओरिजिनल जो ट्रियोलॉजी होती है वो गेम्स की बहुत बढ़िया होती है, जैसे बैटमैन में आर्कम वाली ट्रियोलॉजी बहुत बढ़िया है, GTA की अपनी सैन एंड्रियास, लिबर्टी सिटी और GTA Vice City, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया गेम है। चलो वैसे ये प्रिंस ऑफ पर्शिया बहुत बढ़िया गेम है, अभी यहाँ से अपनी स्टोरी शुरू है। जैसे वो कुछ नहीं, बस बता रही है कि ऐसे क्यों होने दिया, क्या होने दिया। अभी जल्दी से आते हैं, बस नीचे जाके अभी आने वाला है हमारा बॉस फाइट, आ गया है। देखो ये अपनी फाइनल लिफ्ट है, यहाँ से ऊपर जाती बॉस फाइट शुरू होने वाली है। यार आ गया यार फाइनल बॉस, चलो आ जाओ जल्दी से ऊपर जाके देखते हैं इसको कैसे ख़त्म करना है। दिल में बहुत धक-धक हो रहा है, इसको हरा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, आ जा भाई वीजीआर, अभी आमने सामने होने ही वाला है हमारा, प्रिंस और वीजीआर का फाइनल शोडाउन शुरू होने वाला है। ये देखो पूरी सैंड से घिरा हुआ है, देख रहे हो हर जगह पे सैंड उड़ रही है, और ये देखो फेरा को किडनैप करके रखा है यहाँ पे, इसको देख रहे हो कैसा लग रहा है वो वीजीआर, ये देखो पता नहीं ये सोने के पूरे सैंड के विंग्स लेके घूम रहा है, और हमेशा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है ये, पहले सैंड्स ऑफ टाइम से शुरू करते हुए बस गड़बड़ करते जा रहा है ये। अभी इसको पता चल गया होगा हम लोग आ गए, फेरा इतने फॉर्म में आ गई है ना, ये देखेगा अभी पीछे पलट के, इसको भी पता चल जाएगा प्रिंस आ चुका है। ये देखो ओ ये अभी आइकॉनिक फाइट शुरू होने वाली है, बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, बस सैंड बचा के चलूंगा। ये देखो देखो शुरू होते ही अटैक करना शुरू हो गया, पर यार हम लोग इसको बहुत बार हरा चुके हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, हमारे किंगडम में अटैक करता है, रुक छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहा है, ऊपर गया, भागो भागो कुछ तो करने वाला है ये। ओए ये देखो पत्थर फेंक रहा है, अरे हाँ मुझे याद आया, जब ये ऊपर जाता है ना ये पत्थर फेंकता है, बस इससे बच के रहना पड़ेगा। उसका कवच देख रहे हो कितना ज़बरदस्त, ये देखो थोड़े मार खाते ही डिफेंस करने लग जाता है।
भागो, ये ऊपर जा रहे हैं, भागो भागो, फिर से पत्थर फेंकने वाला है यार। इसमें हेल्थ जाए ना कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, हेल्थ का कोई टेंशन नहीं है, बस रिकॉल नहीं वेस्ट होना चाहिए, मरना नहीं है। क्योंकि देखो हेल्थ का इतना कुछ है ही नहीं, इसमें बहुत कम इसको फाइट करनी है, ये पूरे माइंड गेम्स ही खेलता रहता है। तो इसको हम लोग ख़त्म तो बहुत ईजीली कर सकते हैं। देखो तुम लोग देख ही सकते हो इसकी हेल्थ कितनी कम कर लिया मैंने, मतलब 1/3 हेल्थ तो इसकी ख़त्म भी हो गई है। तो यही है, देखो फिर से ऊपर चला गया, भागो। अरे इस बार मेरे पीछे आ गया था ये, बच के रहना। अरे यार बचना था, पर ये बहुत होशियार है ये भी। चलो एक और फेंकेगा ये बहुत मतलब समझने वाली बात थी। देखो जैसे पहली बार में एक बार फेंका, फिर दो बार, फिर तीन बार, ऐसे करके समझ जाते हम लोग। बस तो मैं बोल रहा था कि मरना नहीं है, इसमें रिकॉल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब सैंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सैंड बचा के चलना है। ये देखो, ये देखो शुरू हुआ ना, इसके माइंड गेम शुरू हो जाते हैं। इसके हेल्थ जाने दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है हेल्थ का, बस बच के इन सबसे बचना है और इसको ख़त्म कर। ये देखो कैसे भागता है, स्पीड किल लेनी है मुझे, इसीलिए भागे जा रहे हैं वो। और ये देखो कैसे ज़बरदस्त पत्थर का बना हुआ पूरा। अरे यार स्पीड किल मिस हो गया, दूसरी बार, अभी भागना पड़ेगा अंदर। दो बार जैसे ही मिस हो ना अंदर भाग जाने का, तीसरी बार हम लोग ट्राई नहीं कर सकते, भाग ही जाता है। आ जाए यार, चलो इस बार तो मिल जाएगा। अरे यार फिर मिस कर गया। और ये देखो कितना तेज़ आता है, लास्ट वाला जो है ना वो बहुत तेज़ आता है, उससे बच के रहना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, हेल्थ का कुछ है ही नहीं मुझे, बस मरना नहीं है बस। ये देखो आ गया, चलो पहला स्पीड किल, ये गया, ये भी ख़त्म। बस आखिरी बार एक और बार मारना है, ये गया। देखो एक विंग काट दिया उसका, अभी एक ही विंग पे भागता रहेगा यहाँ वहाँ। अभी ये ज़्यादा तेज़ घूम रहा है सारे पत्थर, और ये भी बहुत तेज़ भागेगा। ऐसे ही बस इसको ख़त्म करते हुए जाना है। देखा, इससे ज़्यादा लड़ना ही नहीं हमें, शुरुआत में लड़ते हैं और उसके बाद बस ये भागता रहता है, और हम लोगों को स्पीड किल लेने होते फटाफट। अरे अरे फंस गया, ओ क्या बचाओ, ओ दूसरी बार बचा, ज़बरदस्त। चलो आ जाओ इस बार इसका दूसरा विंग। अरे जैसे ही मैं स्पीड किल लेने वाला था शाना भाग गया, ये गया, मुझे लगा ही था दोनों तरफ से आ गया ना, मैं फंस गया था, सैंडविच हो गया था मेरा। चलो इधर तो मिल ही जाएगा, ये गया, अभी दूसरा विंग भी इसका काट देंगे। आ जाओ ये दूसरी बार, ओ क्या बैलेंस कर रहा है प्रिंस यार, ज़बरदस्त है। अभी गया ख़त्म, ये काट दिया उसका दूसरा विंग। अभी तो बहुत तेज़ चलने वाला है, देखो सब कुछ तेज़ चलेगा, और ये भी बहुत तेज़ भागता है, ये ज़्यादा देर रुकेगा ही नहीं एक एक पिलर पे, देखो इतना जल्दी भाग रहा है। तो इधर तो मुझे ये करना ही पड़ता है, टाइम स्लो करना पड़ता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिकॉल बचा के रखना पड़ता है, सैंड बहुत काम की यहाँ पे। अरे यार ये आ गया ना, मिस करने वाला हूँ मेरे ख्याल से, ये भाग जाएगा, लगा ही था मुझे यार, वो पत्थर आ गया बीच में, वरना मैं ले लेता स्पीड किल बहुत जल्दी से इसका। वो कितना तेज़ हो रहा है देख रहे हो तुम लोग। अरे इस बार मिल सकता था, कोई बात नहीं, स्लो करके तो इसको ले ही लेंगे हम लोग, इस बार स्पीड किल आराम से मिल जाएगा, थोड़ा बच के रहूँगा, अभी नहीं भागने दूंगा। आ जाओ ये गया, चलो तीसरा स्पीड किल, इसके बाद अभी फिर से और फाइट करनी है, ऐसा नहीं है ख़त्म हो जाता है इस। ये देखो तुम लोग क्या कर रहे हैं प्रिंस, बस देखते रहो। ये देखो उसके दिल में सीधा तलवार घुसा दी, भाग गया, अभी ऊपर भाग गया, अभी बीच बीच में चिल्लाता रहेगा ये, तलवार हमने तलवार फंसा दी उसके दिल में, बीचों बीच तलवार घुसा दी, प्रिंस भी बहुत खतरनाक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे बहुत सैंड यूज़ होती है, मतलब मैं कर लेता हूँ फटाफट से, पर इसमें मैं बहुत बार मरता था पहले, तो इसके लिए मैं बहुत सैंड बचा के चलता था। इस बार देखते, एक बार में हो जाना चाहिए यार, मुझे याद तो है बहुत सारी चीज़ें, जितना हो सके जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ दिख रहा है कूदते हुए जाना है बस। ये 2 मिनट में मैं रुक जाऊँगा ना तो मार के गिरा देगा मुझे। देखो कर रहे हैं ना अटैक, वो सैंड वाले कुछ अटैक करता रहता है जिससे हम लोग सीधा नीचे गिर जाते हैं, बस वही से बच के रहना है उससे, इसलिए जितना जल्दी हो सके बस चलते रहो, जहाँ रुक के तुम लोग बस ये ख़त्म कर देगा। अभी देखो कैसे अटैक कर रहा है, देख रहे हो तुम लोग, ऊपर से आता ही रहेगा ये। ओ बच गया, मुझे लगा जंप नहीं करने वाले, पकड़ने नहीं वाला था ये। चलो यहाँ भी बढ़िया, हो कोने कोने से बच रहे हैं बस हम लोग, चलते रहो सामने ही जाना है बस। ये देखो देखो मैंने बोला ना इस बार अच्छा हो पकड़ लिया प्रिंस ने, वरना नीचे गिर जाता मैं, यही सब है बस भागते रहना इसमें। वो देखो कैसे अटैक कर रहा है, बस यहाँ से भी पकड़ लिया, अरे शाबाश पकड़ लिया, बढ़िया चलते रहो। अरे यहाँ से क्या है, देखो पकड़ा नहीं ना मैंने, सही जंप किया था शायद, थोड़ा सा जल्दी जंप मार लिया था, कोई बात नहीं, और 3 रिकॉल है, हो जाएगा आराम से हो जाएगा, बस चलते रहो। काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच चुका हो यार, ये मरने ही वाला है, बस चलते रहो बस। हाँ बहुत पास में आ गया, अभी तो ये ख़त्म होने वाला है, यहाँ से बस बच के चलना है, यहाँ से गिर गया ना पूरा फाइट फिर से करना पड़ेगा मुझे। ये देखो देखो दिख रहा है भाई, तू नहीं बचने वाला है, अभी मैं आ गया, ये देखो हो गया ख़त्म, VGR का एंड हो गया, अभी ख़त्म हो गया, खात्मा तेरा। क्या आइकॉनिक है यार, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, देख रहे हो एंडिंग क्या ज़बरदस्त है, ये होती है एंडिंग, ऐसा खतरनाक लग रहा है। अभी स्पीड की लाएगा अपना, जैसे ही डैगर चमकेगा हम लोगों को बस इसको ख़त्म करना है, ये हो गया, गया ख़त्म। इतना ज़बरदस्त है यार, बहुत बढ़िया लगा ये गेम, बहुत बढ़िया, कुछ भी कहो तुम लोग।
चलो आखिरकार हमने वीजीआर को तो खत्म कर ही लिया। ये देखो क्या हो रहा है, ये पूरी सैंड अभी डैगर में जा रही है मेरे ख्याल से। गया, ये तो खत्म हो गया, इसकी पूरी शक्ति हमने ले ली है। ओहो, ब्लास्ट हो गया सीधा वो, और सारे सैंड आजाद हो गए अभी उसके वजह से। ये देखो उसकी पूरी आर्मी भी खत्म हो गई, अपनी पब्लिक खुश हो गई, प्रिंस के लोग बहुत खुश हो गए कि प्रिंस ने बचा लिया है। सारा सैंड यहाँ पे आ रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई तो आ रहा है मतलब। अच्छा ये तो वो है ना, वो जो शुरुआत में मारा था जिसको वीजीआर ने, क्या है उसका नाम यार, नाम भी भूल जाता हूँ। हाँ वही है जिसके वजह से सैंड्स आज़ाद हुई थी सबसे पहले, मतलब जिसको मार के वीजीआर को सबकी सारी शक्ति मिली थी ना, काइली ना, हाँ काइली ना है, याद नहीं रहता यार। बहुत गेम के स्टार्टिंग में मर गई थी और अभी आ रही है, अभी वो डैगर ले रही है, क्या कर रही है, डैगर भी ले जाएगी शायद अपने साथ। अब सब खत्म हो गया, अभी ये देखो डैगर भी खत्म हो गया, अभी आज़ाद हो गया प्रिंस। ओ चेन भी निकल गई, प्रिंस पूरा आज़ाद हो चुका है अभी, अभी नॉर्मल हो गया प्रिंस, सारी शक्तियाँ चली गई उसकी। चलो अभी ये भी चली जाएगी शायद, सारी सैंड्स लेके चली जाएगी, वही हो रहा है ना। हाँ सारे सैंड्स इसने ले लिए, सब कुछ पहले जैसा कर लिया, मतलब सारे जो भी सैंड की वजह से तबाह हो गया था, अब सैंड सारी ले ली इसने। अभी प्रिंस आराम से रूल कर सकता है अपना, पर बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है। अरे अभी देखो बहुत सही चीज़ होने वाली है, ये देखो कौन आया है, इतने टाइम छुप के बैठा था। ये सीन अगर तुमने ना सैंड्स ऑफ टाइम खेला हो ना, तो सैंड्स ऑफ टाइम मतलब स्पॉइलर है अभी ये, सैंड्स ऑफ टाइम के एंडिंग में बस यही सीन आता है, और प्रिंस को सपना आता है ये कि ये ब्लैक प्रिंस जैसा कोई उसका क्राउन लेके भाग गया है। अभी आने वाला है अपना दूसरा और फाइनल बॉस, इसको तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, मतलब शक्ति होती ही नहीं है ब्लैक प्रिंस में, ये भी पूरा अपने दिमाग में होता है, तो इसको हराना तो बहुत ईजी है। चलो आ जाओ जल्दी से, जाएंगे उसके एरिया में जाने वाले हम लोग, तो बस बस उसीलिए वो बच के रहेगा। ये देखो अभी फिर से हम लोग हमारे डैगर में आ चुके हैं, मतलब डैगर नहीं, जो भी अपनी पावरफुल तलवार थी लाइट वाली वही है बस हमारे पास, जितना मार रहा उतना अंधेरा होते जा रहा है। ये देखो अभी आ गए उसके एरिया में हम लोग, मतलब ये पूरा माइंड गेम से, ये भी देख रहे हो। और प्रिंस को फिर से कपड़े मिल गए, कहाँ से मिल गए अचानक से कपड़े, चलते रहो बस। ये देखो ये ऐसे हम लोगों को इसके ऊपर से चलना, अरे इसमें तो कुछ रिकॉल भी नहीं होता है, अभी सैंड जा चुकी है, हमारे पास कोई सैंड वाली पावर नहीं है, जिसमें मरेंगे भी नहीं हम लोग, बस ये चलता रहेगा। वो देखो वहां पे दिख रहा है तुम लोगों को सैंड वाला वो आर ग्लास, जिससे सैंड आजाद हुई थी, सैंड्स ऑफ टाइम में आजाद हुई थी सबसे पहले। चलो बस अभी इसमें यही है, सारे गेम्स की थोड़ी थोड़ी झलक तुम लोगों को दिखने मिलेगी। अरे यार बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, उसको मारने की बहुत जल्दी हो गई है मुझे। चलो इसको ये ले ये ले ये ले, बस देखो भागते जा रहे हैं, जैसी मार पड़ती है भाग जाते हैं। जैसे हमारे साथ था तो बहुत शक्तिशाली था, पर हम लोग बहुत शक्तिशाली थे इसीलिए उसके पास अपनी खुद की पावर नहीं है। अरे यार इसमें ना समझ में थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, मतलब कौन सा वाला कहाँ पे जाना है, अभी नीचे कूदना है, मुझे लगा बहुत दूर कूदना पड़ेगा, समझ रहे, ये दिख तो रहा है पर थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए। देखो कैसे अचानक से आ गया, अरे ये कौन से गेम का है, भूल गया हूँ मैं वैसे, बहुत टाइम से गेम खेले नहीं है ना, ये कोई और पार्ट का है, मतलब ये प्रिंस ऑफ पर्शिया शायद वॉरियर विद इन का होगा, पता नहीं, या फिर सैंस ऑफ टाइम का होगा यार, इतना याद भी नहीं रहता ना बहुत टाइम बाद गेम खेलते हैं तो। चलो आ जाओ इसको ख़त्म करते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, कहाँ से जाना है, गोल घूम रहा है पूरा, कहीं से तो जंप मारना पड़ेगा, रुकता है, अच्छा उधर से कूदना है शायद, है ना, यहाँ से तो जगह है नहीं, वहीं से कूदना है, रुको ये गोल घूम के जाएगा ना तो हम लोग फिर वहीं पे कूद जाएंगे, देखो यहाँ पे, चलो आ जाओ जल्दी से, रुक जाएगा ये, वैसे ही फटाफट कूद के निकलते हैं, बस ये ऐसे ही चलते रहने वाले, ये कुछ ना कुछ बनता रहेगा, हम लोग जाएंगे उसको मारेंगे, ये भागेगा, जल्दी चलो यार। प्रिंस भी बहुत मुश्किल से लड़ रहा है इससे, वैसे अगर हम लोग हार जाएंगे तो ये काबू कर लेगा हम पे, फिर ब्लैक प्रिंस पूरा राज करेगा, ऐसा एंडिंग है मतलब इसका। वही जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, प्रिंस तो हार नहीं सकता यार, बहुत शक्तिशाली हम लोग, और ऊपर से हमारे पास स्वॉर्ड भी इतनी पावरफुल। चलो ये कहाँ पे गिर रहा है, ये सेंस ऑफ टाइम का है पक्का, है ना यार, मुझे कमेंट करके बताना, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे याद नहीं है, तुम लोगों को याद होंगे ना अगर ये सीन्स किस किस मतलब प्रिंस ऑफ पर्शिया के पार्ट के है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार, वो भी खेलने का मुझे इच्छा तो है, पर देखते वो खेलेंगे कि नहीं बाद में। यार ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है, सीधा कूद के पहुँच जाऊँगा क्या, नहीं लग रहा है, वैसे मर जाएगा फिर से, छोड़ो अब इस पे चलते हैं, जो रास्ते बना रहे हैं तो हम लोग चलते रहेंगे ना रास्तों पे। आज फिर से मारते, भाग तो पा ही नहीं रहा ये, बस ये कुछ ना कुछ ऐसा इल्यूजन बना रहा है जिससे हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे इसके पास, और ये ब्लैक प्रिंस बीच बीच में कुछ बातें कर रहे हैं हमारे दिमाग में, हमारे साथ खेल रहे हैं। यार ये सीन तो वॉरियर विदिन का है पक्का,
मतलब मुझे याद नहीं है यार, तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यार, जिन्होंने हाल फिलहाल में सारे पार्ट्स खेले होंगे ना उनको याद रहेगा। मैंने बहुत टाइम पहले खेला था इसलिए मुझे इतना ध्यान से याद नहीं है। मतलब चलो जल्दी से चलते हैं, इसको ख़त्म करते यार, जल्दी जल्दी बहुत टाइम पास कर रहे, बहुत बकबक करता है ऊपर से, कुछ ना कुछ बोलता रहता है बस। आ जाओ बढ़ते आगे, ये VCR से ज़्यादा तो इसको मारने में परेशानी होती है, बहुत तंग करते हैं। ये भी देखो ये बहुत है, मतलब सोच सोच के जाना पड़ता है, देखो ना कैसे मुश्किल हो रही है, एंगल भी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, जंप आने में बहुत मुश्किल है ये इसीलिए इसको हराने में मुश्किल होती है हम लोगों को। वैसे लड़ना होता ना तो फिर मज़ा आता कुछ, इसके साथ भी लड़ाई रखनी चाहिए थी, पर मेरे ख्याल से ना ये शायद हमारे दिमाग में ही होता है, ब्लैक प्रिंस कोई होता नहीं है इसीलिए शायद इसके साथ लड़ाई नहीं दिखाई है, ऐसा ही कुछ दिखाया, और मेन विलन अपना VCR ही दिखाया। अरे यार उस पर सही से जंप नहीं मारूंगा ना तब तक ये चेंज नहीं होने वाला, ये लंबा वाला जो है ना इसका साइड वो जब तक ऊपर नहीं आता ना तब तक कुछ नहीं। हाँ ये देखो ये वाला, वरना मैं वहाँ तक जंप ही नहीं मार पाता, पहुँच जाएगा। अरे यार बहुत मुश्किल है, थोड़ा और साइड से जंप मारना पड़ेगा। आ जाओ पहुँच गए, अभी आ जाओ, इसको फिर से फटके मारते मार खाएगा भागेगा, मार खाएगा भागेगा, बस यही करना है इसको, चलते रहो। पहुँच ही गए वैसे, बहुत करीब है, अभी इसका भी अंत होने ही वाला है। ये हो गया, चलो यहाँ से वॉल रन और जाके उसको फिर से मारते भागता रहता ही है, इसके साथ थोड़ी सी भी लड़ाई मिल जाती ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। पर इसका ऐसा है ना, ये सैंड्स पे जीता था तो अभी सैंड्स तो चली गई तो इसके पास पावर भी नहीं बची, फिर भी इतना ज़्यादा इसको इज्जत मिल रही है वही बड़ी बात है, वरना तो इसको ऐसे ही ख़त्म कर लेते। चलो आ जाओ जल्दी से चलते हैं, पहुँच ही गए वैसे तो काफ़ी ज़्यादा करीब है। ये हो गया, अभी क्या कर कुछ और दिखा रहे क्या? अरे फेरा आ गई है, चलो पहुँच गए शायद हम लोग बाहर तक। ओ नहीं 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 अभी एंडिंग आ चुका है, देखो फेरा आ गई ना, मतलब प्रिंस बेहोश था, अभी थोड़ा थोड़ा करके होश में आ रहा है, अभी फेरा मदद कर रही है, उसको बोल रही है इसको छोड़ के मेरे साथ चल जो ये पहले से यही बोलती आ रही है पूरे गेम में, प्रिंस ने अगर वही सुन लिया होता तो इतना होता ही नहीं, ब्लैक प्रिंस आता ही नहीं। चलो आ जाओ फेरा के पीछे चलते हैं, ब्लैक प्रिंस को इग्नोर मार के निकल जाएंगे हम लोग। चल जाने दे मुझे, इतना इसको इज्जत ही नहीं दे रही, छोड़ के भाग जाने का सीधा। वो देखो कितने ज़्यादा हो गए थे, अगर मारते बैठोगे ना तो ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। अभी जल्दी से चलते हैं और आखिरकार हम लोग अभी मतलब ब्लैक प्रिंस से भी छुटकारा पा लिया हम लोगों ने, अभी हम लोग होश में आ जाएंगे और फिर प्रिंस अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलने वाला है, जो ये पूरा गेम मतलब ये बहुत बढ़िया डायलॉग लगता है मुझे। आ जाओ जल्दी से, ये आ गया होश में प्रिंस, अभी फेरा और प्रिंस बस पूरा मतलब सब ठीक हो गया है, सारे सैंड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, प्रिंस के सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, प्रिंस खुद जिंदा रह गए, बहुत बड़ी बात है यार। ये कैसा लग रहा है नहीं, ज़बरदस्त, आखिरी कटसीन भी बहुत ख़तरनाक लगता है। अभी ये लोग बातें करेंगे और अभी प्रिंस बताएगा, ये फेरा अभी पूछेगी और प्रिंस वो मेन डायलॉग बोलने वाला है, इसने पूछा अभी प्रिंस बोलेगा, हंस के बोल रहा है देखो टाइम इज लाइक अ रिवर। ये जो कनेक्शन इन्होंने दिखाया ना, मतलब सारे गेम्स एक साथ कनेक्टेड है, वो बहुत बढ़िया लगता है। अभी देखो तुम लोगों को पता चलेगा, जिन्होंने खेली उनको पता चल जाएगा, ये प्रिंस ऑफ पर्सिया अभी वाला और ये देखो सैंड्स ऑफ टाइम वाला, ये जो कनेक्शन ये दोनों गेम मतलब पूरे तीनों के तीनों जो ओरिजिनल ट्रियोलॉजी कनेक्टेड है ना, ये बहुत बढ़िया लगता है यार। ये हो गया अपना गेम आखिरकार ख़त्म। तो दोस्तों इसी बात के साथ आज के वीडियो तो बस हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों का तीनों प्रिंस ऑफ पर्सिया, वॉरियर विद इन सैंड्स ऑफ टाइम और ये टू थ्रोन्स, इन तीनों में से सबसे फेवरेट कौन सा है और तुमने कौन सा खेला है। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों ने टू थ्रोन सबसे ज़्यादा खेला होगा, फिर भी मुझे जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और तुम में से जो भी लोग आज पहली बार आए और तुम लोगों को ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों तुम लोग अपना प्यार दिखा सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। इसी बात के साथ आज के वीडियो बस यही तक, मैं तुम्हें मिलूंगा ऐसी एक और शानदार वीडियो में, पर तब तक के लिए बाय बाय।